तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है और अब भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, जिसमें रूस या फिर फ्रांस जैसे भारत के कुछ भरोसेमंद साथी ही भारत की मदद कर पाएंगे। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत को अपने 5.5वीं पीढ़ी के अमका फाइटर जेट के लिए एक जेट इंजन चाहिए और इस जेट इंजन डील के लिए 3 कंपनियां कॉम्पिटेट कर रही हैं। पर इन कंपनियों के द्वारा जिन इंजनों को भारत के लिए ऑफर किया जा रहा है वो 80 और 90 के दशक में डिजाइन किए गए थे, जो कि भारत के अमका फाइटर जेट के लिए पूरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दरअसल यह जो इंजन है वो काफी ज्यादा पुराने तो हैं ही, परंतु इनका जो हीट सिग्नेचर है वो एक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के हिसाब से काफी नहीं है। और आसान भाषा में यदि कहें तो जो अमका फाइटर जेट के लिए तीनों ही कंपनियों की तरफ से भारत के लिए इंजन ऑफर किए गए हैं वो हीट ज्यादा उत्पन्न करते हैं, जिससे अमका फाइटर जेट के स्टेल्थनेस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब इंजनों की बात करें तो अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के लिए अपनी GE 414-400 इंजन को ऑफर किया गया है, जो कि अपग्रेड होने के बाद करीब 110 से 130 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा। परंतु जो अमेरिका है वो भारत को अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को कभी भी शेयर नहीं करेगा, साथ में इसके जो IP राइट्स हैं वो भी भारत को अमेरिका नहीं देगा, जिसके कारण से यह जो इंजन है वो भारत के लिए कम्पीट नहीं कर पाने वाला। वहीं पर दूसरे इंजन की बात करें तो यह है ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस का यूरोजेट EJ200 नाम का इंजन, जो कि अपग्रेड होने के बाद करीब 132 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा। परंतु इस इंजन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह इंजन काफी ज्यादा पुराना होने के साथ साथ इस इंजन के जो IP राइट्स हैं, जो कि एक्सपोर्ट को लेकर होने वाले हैं, वो राइट्स भारत को मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा इसकी जो पूरी तकनीक है वो तो ब्रिटेन भारत को देने को तैयार है, परंतु एक्सपोर्ट को लेकर जो IP राइट्स हैं वो भारत को ब्रिटेन नहीं दे सकता। और वहीं पर फाइनल इंजन की बात करें तो यह है फ्रांस का M88 इंजन, जो कि भारत के अपग्रेड के हिसाब से करीब 120 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर देगा, जो कि अब तक के इंजनों में सबसे कमजोर इंजन है और इसी कारण से यह डील के अंदर उतना ज्यादा सुटेबल नहीं बैठता है जितने की दूसरे इंजन बैठ रहे हैं। परंतु फ्रांस भारत के लिए सारी तकनीक के साथ पूरे IP राइट्स देने को तैयार है, परंतु इन तीनों ही इंजनों के अंदर सबसे वीक और कमजोर होने के बावजूद यह इंजन काफी ज्यादा पुराना भी है, जिससे अमका फाइटर जेट को तो यह पावर दे देगा, परंतु यदि हम 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के अंदर इस इंजन को उपयोग करेंगे तो यह उस फाइटर जेट के लिए पूरी तरीका से सक्षम इंजन नहीं बन पाएगा और शायद भारत को भविष्य में चलकर एक नया इंजन डेवलप करना पड़ेगा। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और आप सभी को क्या लगता है कि इन तीनों ही इंजनों में से भारत को किस इंजन के साथ जाना चाहिए, या फिर भारत के वैज्ञानिकों को पैसा देकर अपने खुद के स्वदेशी इंजन को डेवलप करवाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।